going to start the very fourth chapter of Daffodil's Main Course with Class 8 English. The lesson name is Success at Last and the writer is Sir Edmund Hillary. Now take a look. Success at Last. Adventure sports makes you push yourself to the limits and helps you realize your potential. एडवेंचर स्पोर्ट्स जो होती है बेसिकली व्हाट यू मीन बाय द एडवेंचर स्पोर्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एडवेंचर स्पोर्ट्स होती हैं जिनमें हमें कुछ एडवेंचरस करने के लिए मिलता है कुछ रोमांचक करने के लिए मिलता है और वो आपका पोटेंशियल कितना है आपके अंदर उस चीज़ को रियलाइज़ कराने में आपकी हेल्प करती है. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. आई वॉन्ट दिस आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि पहली वुमेन कौन थी जिसने इंडियन वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था. The following extract is from the mountain I couldn't conquer. The author of this passage is Edmund Hillary, is from New Zealand and is well known all over the world. ये जो पूरा extract है जो chapter आपको दिया गया है ये एक extract है जो किस में से कौन सी book में से लिया हुआ है. The mountain I could not conquer ये एक पूरी book है और इसमें ये किसने लिखा है सर Edmund Hillary ने. Edmund Hillary New Zealand के थे और एक well known क्लाइंबर थे वेल नोन ऑथर भी थे वो जो सब पूरा वर्ल्ड जिन्हें सब जानता था. हिलेरी एंड तेंजिंग नोगे वर द फर्स्ट टू सक्सीड इन देयर अटेम्प्ट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. हिलेरी एंड तेंजिंग नोगे ये दोनों जो थे ये पहले ऐसे थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिया था. माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. इवन आफ्टर हिलेरी मैनेज टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ही फेल्ट ही हैड टू सक्सीड इन अनदर चैलेंज. इवन आफ्टर हिलेरी मैनेज टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट जब हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिया फर्स्ट अटैम्प्ट में उसे लगा कि उसे दूसरा चैलेंज भी एक्सेप्ट करना चाहिए. दिस वॉज टू कॉन्कर अ माउंटेन इन हिज ओन कंट्री कॉल्ड स्कॉट्सनॉर्म और वो एक माउंटेन क्लाइंब करना चाह रहा था उन्हीं की कंट्री में था जिसका नाम था स्कॉट्सनॉर्म. The mountain peak is 7,030 feet, about 2,140 meter high above the sea level. उसकी जो height थी वो about 2,140 meter थी sea level से. Hillary had tried to climb this mountain but had failed on two occasions. Hillary ने कोशिश की थी इस mountain को climb करने के लिए दो occasion में लेकिन वो हमेशा दोनों occasions में fail हो गया वो climb नहीं कर पाया. In the following extract he describes how he finally succeeded in climbing this peak. और इस पूरे chapter में success at last में उन्होंने बताया है कि वो किस तरह से success उन्हें मिली ये माउंट एवरेस्ट को इस स्कॉट्सनॉर्म को क्लाइंब करने में इस पीक को क्लाइंब करने में. पीटर मलग्रेव एंड आई लेफ्ट कैंप जस्ट बिफोर 7 व्हेन वी हैड इनफ लाइट टू मूव फ्रीली एंड वी क्लाइंब अप द रिज एट गुड स्पीड. पीटर मलग्रेव एंड आई इज सर एडमंड हिलेरी यहाँ पर आई एडमंड हिलेरी के लिए आया है. एडमंड हिलेरी कह रहे हैं पीटर मलग्रेव और मैं दोनों सुबह 7 बजे उठे इनफ लाइट थी लाइट काफ़ी थी अच्छी रोशनी थी और उसमें हम आराम से क्लाइंब भी कर सकते थे अच्छी स्पीड पर. दिस मॉर्निंग वॉज कूल एंड ओवरकास्ट एंड ऑल द टॉप्स ऑफ द पीक वर इन क्लाउड्स. जो मॉर्निंग थी बहुत कूल थी ओवरकास्ट थी और जो पीक्स थी माउंटेन की उन पर बादल थे. बट वी मेड एक्सेलेंट टाइम लेकिन हमने अच्छा समय बिताया. थैंक यू.